नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और हाइकिंग ट्रेल्स में आपका स्वागत है। और आज आए हम द्वाट मंदिर में, जो शिवजी महाराज का मंदिर है। और चंबा से सिर्फ एक दिन की हाइक पे है, 15-20 किलोमीटर आपको गाड़ी में आना होगा, उसके बाद 3 घंटे की हाइक है। और अब पहुंच जाते हैं इस बेहद ही खूबसूरत पांडवों के द्वारा बनाए हुए मंदिर में। आइए कुछ एक व्यूज दिखाता हूँ और कम्प्लीट जर्नी दिखाता हूँ मैं आपको। कीप वॉचिंग हाइकिंग ट्रेल, ब्यूटीफुल। चंबा से द्वाट महादेव जाने के दो रास्ते हैं, एक सिडकुड विलेज होते हुए और दूसरा मानी विलेज होते हुए। सिडकुड वाला रोड भी आगे मानी विलेज में जुड़ जाएगा, पर अगर आप मानी विलेज वाले रास्ते जा रहे हैं तो पुखरी होते हुए मानी जाएं, वो रोड शॉर्ट रहेगा। मानी से आगे गुलदार तक ऑफ रोड है, और आप अगर बाइक या अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली 4-व्हीलर पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप गुलदार तक ऑफ रोड राइड का मजा लेते हुए अच्छा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। गुलदार से मंदिर का डिस्टेंस सिर्फ 1 किलोमीटर का रह जाता है। मेरी कार की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ वाया सिडकुड विलेज और मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं मानी विलेज होते हुए। मेरा मानना है कि जब हम किसी मंदिर में व्हीकल पे जाते हैं तो वो तो हो गया दर्शन करना, मगर जब हम उसी मंदिर में पैदल चलकर जाते हैं तो वो हो गया यात्रा करना। और यात्रा करने से आत्मा की शुद्धि होती है, इसलिए हम हाइकिंग ट्रेल्स में ऐसी जगहों पर पैदल चलकर जाने को ही प्रेफरेंस देते हैं। पर जो आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं सेंट्रल फ्रेम में, यहाँ पे द्वाट महाराज का मंदिर है। तो अभी 1 घंटा और लग जाएगा हमें ये हिल क्लाइंब करने में, और ये जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। सो फ्रेंड्स, सिडकुंड से सिर्फ 10 मिनट चलने के बाद हम तूसा नाम के गांव में पहुंच गए हैं, और जो इसके ऊपर गांव आएगा उसका नाम रेवाड़ी है, उसके ऊपर जो गांव आएगा उसका नाम थनास है, उसके बाद घुलटार आएगा। घुलटार से 10 या 15 मिनट चलने के बाद हम पहुंच जाएंगे द्वाट महाराज। और अभी हमारा एस्टिमेटेड टाइम है कि अगले 5 मिनट में या 10 मिनट के अंदर अंदर हम रेवाड़ी पहुँच जाएंगे। और वो रहा सिडकुंड विलेज, आधे घंटे में काफी अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हमने। क्या रहा था कमाना चाचू? माना गया थी तो दुबला ही थी सेकना। हाँ, क्या नहीं है ये छोरा, तो क्या नहीं है सवाल दे। हाँ, पेपर देना। अच्छा अच्छा, ठीक है। कुदन घर तुम्हारे है? रवाड़ी मेरे घर नो ऊपर घोड़ा गुलटार। हां जी, आज भी चले द्वाट, चले द्वाट चले। हां जी, गुलटार कुदन घर सरोल। हां, हां जी। You know, it's always good time for slap poker. यहाँ लोग अपनी गाय भैंसों को पानी पिलाते हैं, पर इस वक्त मेरा टारगेट कुछ और है जो मुझे अपने पीछे बुला रहा है। ये एक स्पेशल ब्रीड का पप है जिसे गादा कुत्ता, गादी कुत्ता या हिमालयन शेफर्ड कहते हैं। इस ब्रीड के पप्स की एक पहचान ये भी है कि इनके छोटे पप्स को अगर हम कानों से पकड़ के भी उठा दें तब भी ये चूं तक की आवाज़ नहीं करेंगे। सो गाइस, हमें कंपेनियन मिल गया, बहुत ही खतरनाक लग रहा देखने में, और पहाड़ी कुत्ता ये, गादा कुत्ता जिसको कहते हैं, बहुत ही क्यूट है। रास्ता ही है कि मैं तेरे पीछे पीछे चल लग गया था। रख दे, रख दे, रख दे। नहीं कर दे, गादी।
रेवाड़ी गांव से एक रास्ता जाएगा थनास की तरफ और दूसरा सीधा जाएगा ऊपर घुलटार की तरफ। दोनों ही रास्ते आपको द्वाट महादेव के मंदिर तक ले जाएंगे, मगर आपको घुलटार के रास्ते ही जाना है क्योंकि ये विलेज बहुत ही ब्यूटीफुल है और इससे कवर होती है आपकी एक और समिट। और साथ ही आपको दर्शन करने को मिलेंगे शीतला माता के और मिलेगा एक परफेक्ट 360 शॉट। ये रहा थनास गांव नीचे की तरफ जिसका रास्ता हमने पीछे छोड़ दिया है। किसी भी तरह के रंग बिरंगे और चटकीले फ्रूट्स को देख के लालच में ना आ जाए, ये बेहद पॉइजनस हो सकते हैं। और इस शिवजी की धुन की लुका छिपी फिर से शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं एक सर्टेन पॉइंट पे जहाँ पे मंदिर है सिर्फ वहीं पे धुंध है और शिवजी अपने प्रिय भक्तों के साथ ये खेल हमेशा खेलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम घुलटार गांव तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस मंदिर का। और जो हमने सीधी चढ़ाई है वो लगभग कवर कर ली है और अब हमें सिर्फ तिरछा जाना है द्वाट महाराज के मंदिर तक, जो कि यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में अभी धुंध पड़ी हुई है तो मैं सामने दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। और यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, तो आइए अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं देवदार के बेहद ही घने और खूबसूरत जंगल के अंदर। और मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप कभी भी जंगल के रास्ते जाएं तो अकेले ना जाएं, क्योंकि किसी भी तरह के जंगली जानवर का खतरा हो सकता है। देखिए ये जंगल जो है कितना डेंस है और भालू, पैंथर और लेपर्ड जैसे जानवर यहाँ पे हो सकते हैं ऐसे जंगलों के बीच में। तो कभी भी अकेले ना चलें, कम से कम 2 या 3 लोग होने चाहिए साथ में, तभी ऐसे जंगल को क्रॉस करें आप। देखिए कितना ब्यूटीफुल जंगल है कि धूप की किरणें भी यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुँच पाती होंगी, जो आगे वाला एरिया है। सो फ्रेंड्स, हम द्वाट महाराज के मंदिर के आसपास पहुंच गए हैं और थोड़ा सा आगे जाके लोकेशन चेक करते हैं कि एग्जैक्टली मंदिर कहाँ पे है। हम मंदिर के बिल्कुल पास में हैं, उस पास से आ रहा है, इस पास से तो नहीं है। सो फ्रेंड्स, हम चलते चलते भटक गए हैं जंगल में, पेड़ों की वजह से समझ नहीं आ पा रहा है मंदिर किस तरफ को है। आगे तक जाके आए हैं मगर मंदिर हमें नहीं मिला और इन पेड़ों के बीच में ही कहीं मंदिर है। कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और भी पड़ी है, तो ये चेक करते हैं। हाँ, यही है मंदिर। तो फाइनली हमें मंदिर मिल गया है और अब हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये मंदिर के दर्शन करवाते हैं आपको द्वाट महाराज के। शिवजी हमेशा ही दूर दराज इलाकों में बसते हैं, पहाड़ों में आके। और ये जो मंदिर है ये चंबा के बहुत नज़दीक है, एक ही दिन की हाइक है और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो मेरे कुछ एक फ्रेंड्स घूमने के लिए भी आए हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो देखिए नीचे। ये मेरे फ्रेंड्स भी चंबा से ही हैं और आज संडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं और बहुत ही प्यारी जगह है ये। देखिए मंदिर दिखाता हूँ आपको, ये रहा द्वाट महाराज जी का मंदिर। आप शांति देखिए यार, इस जगह पे शांति कितनी है।
और यहाँ से व्यू देखिए आप। ऐसा फील हो रहा है कि आसमान मेरे नीचे, बादल नीचे नीचे चल रहे हैं और मैं एक सर्टेन एक ऐसी हाइट पे हूँ जो बादलों के लेवल से ऊपर है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, पांडवों के समय का बना हुआ मंदिर है और आप पत्थरों से देख सकते हैं कि कितने पुराने पत्थर हैं ये। जो कलाकृति है वो भी बहुत पुरानी है, इसको मेंटेन किया गया है, बाद में रिपेयर किया गया है, मगर ये जो मंदिर है ये पांडवों के समय का बताया जाता है और बताया जाता है कि पांडवों ने ही अपने अज्ञातवास के समय पे इस मंदिर को बनाया था। तो ये वो मंदिर है और ये साथ में सराएं बनी हुई हैं जो यात्री यहाँ पे आते हैं उनके ठहरने के लिए, और ये ऊपर की तरफ किचन बना हुआ है जहाँ पे आप कुकिंग कर सकते हैं और नीचे कमरे बने हुए हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my eyes. Stop this conversation. Stop this conversation. We got no relation. तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं चंबा से, ये भी अपना संडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। भाई नाम बता देंगे जल्दी जल्दी अपना। सिमरन भाई हैं, अजय, अजय भाई, अमन भाई हैं, अनीश भाई हैं और सलीम, सलीम भाई। और ये इन्होंने वॉशरूम की फैसिलिटी बनाई हुई है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम किया हुआ है ताकि गंदगी ना फैलाएं लोग। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जंगल है। हल्की हल्की धुंध पड़ रही है और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। एक हाथ तो मैंने पॉकेट में रखा हुआ है मगर जिस हाथ से मैं शूट कर रहा हूँ वो बिल्कुल जम चुका हुआ है। और ये जंगल मंदिर की बैक साइड में है जो कि सबमिट है इस माउंटेन का। यहाँ पे आप कैंप कर सकते हैं, कैंप फायर कर सकते हैं, बट सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के साथ। और इस जगह से साहू वैली, चंबा वैली, धौलाधार रेंज, डैनकुंड पीक और सिकरी धार, ये सारी जगह बहुत आसानी से देखी जा सकती है। और ये रावी नदी है जो सीधा आसमान में मिल रही है जाके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप वॉचिंग हाइकिंग ट्रेल्स।